हम बात कर रहे हैं TTML की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% के ऊपर की गिरावट के साथ TTML में हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। जब बड़ी गिरावट आई थी इस लो को यानी 88 के लेवल को मेजर सपोर्ट के तौर पर हमने डिस्कस किए थे और उसी सपोर्ट के आसपास से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। और जब बाउंस बैक हो रहा है तो चार्ट पैटर्न को हम देखें, एक जंप आया, गिरावट आई, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप आया, गिरावट आई है, तो यहाँ से स्टॉक अपने सपोर्ट से ही 90 का लेवल या 90-91 का लेवल किसी भी एक लेवल के आसपास से बाउंस बैक करता नज़र आ सकता है। तो नीचे की ओर 90 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है TTML के लिए, और मेजर सपोर्ट रहेगा 88 का लेवल जहां से इससे पहले भी सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट 104 तक का स्टॉक ने जम दिखाया था। अब यहां से चार्ट पैटर्न भी पॉजिटिव बनता नज़र आ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा 94 का लेवल आने वाले ट्रेडिंग डे में यहाँ तक का जम दिखा सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया TTML तो वैसे कंडीशन में फिर हमारे लिए सिग्नल रहेगा अप ट्रेंड का, क्योंकि चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, जंप गिरावट, जंप हाई ब्रेकआउट, गिरावट जंप और हाई ब्रेकआउट करता है अपने इस हाई को, रिसेंट हाई को, तो अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट 9800 का लेवल स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा और इस बाउंस बैक के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस है लेकिन ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं स्टॉक अपने सेम लेवल से बाउंस बैक कर रहा है सपोर्ट लेवल से, तो 100 का लेवल अगर ब्रेकआउट कर गया तो वैसी कंडीशन में नेक्स्ट टारगेट बनेगा जहां से इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था 104 का लेवल, और इस बाउंस बैक के साथ फिर 110 से लेके 120 तक का जंप हमको TTML दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।